हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे इवन कार रिव्यू चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण, और आज जो मैं आपके लिए गाड़ी लेकर आया हूं भाई, वो है मारुति की तरफ से, नेक्सा की तरफ से आने वाली मारुति की बलेनो। और जो इसका ये वेरिएंट मेरे आप सामने देख रहे हैं, ये इसका बेस वेरिएंट है गाड़ी का। अपने सेगमेंट के अंदर ये सबसे ना अपनी ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है। अगर इसकी हम यूनिट की बात करें तो ये ना 18 से 20 हजार यूनिट हर मंथली जो है सेल हो जाती है। इतनी तगड़ी जो इस गाड़ी की सेल है, जो इसके कॉम्पिटिटर है वो है टाटा की एल्ट्रोज और हुंडई की i20, लेकिन वो ना इसको कहीं से भी मतलब कॉम्पीट नहीं कर पाती हैं। हर महीने ना वो 9 से 10 हजार जो है गाड़ी लास्ट सेल कर पाते हैं, और मारुति की बलेनो है जो अपनी वो 18 से 20 हजार यूनिट हर महीने अपनी जो है सेल कर देती है। तो ऐसी क्या खास बात है इस गाड़ी के अंदर जो कि वो दोनों गाड़ियां मिलकर इतनी सेल कर पाती है, और ये अकेली गाड़ी जो है इतनी अपनी ने इकली सेल निकाल पाती है। तो आज इसके हम प्राइस एंड फीचर एंड प्राइस के बारे में बात करेंगे, फुल डिटेल रिव्यू बनाएंगे कि क्या इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है, किस प्राइस रेंज के अंदर आपको ये गाड़ी मिल जाती है, क्या कुछ ऑफर करती है उस प्राइस रेंज के अंदर। इस प्राइस रेंज के अंदर ये 6,61,000 ex-showroom पलवल हरियाणा के अंदर पड़ती है आपको गाड़ी। अगर ऑन रोड कीमत की अगर आप बात करते हो तो कहीं ना 7-7.5 लाख रुपए के अंदर ये आपको जो है ऑन रोड गाड़ी मिल जाती है। इस प्राइस रेंज के अंदर आज की डेट में जो है बहुत सारी गाड़ियां आ जाती है, हुंडई की एक्स्टर मिल जाती है, टाटा की पंच मिल जाती है, एल्ट्रोज का बेस मॉडल मिल जाता है आपको। लेकिन लोग इसी को क्यों ज्यादा प्रेफर करते हैं तो सारी बातें करेंगे इसी वीडियो में, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। तो इसकी फ्रंट प्रोफाइल के साथ हम जो स्टार्ट करते हैं कि क्या कुछ जो गाड़ी आपको ऑफर करती है 7 लाख रुपए के अंदर। तो ऐसी कुछ आपको जो इसकी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलती हैं, जिसमें कि आपको येलो बीम के साथ ये मिलती है। ऐसा कुछ यहाँ पे अंदर लाइट के अंदर आपको क्रोम देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो हैलोजन इसका इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की अगर आप बात करते हो तो फॉग लैंप आपको इस वेरिएंट के अंदर नहीं मिलते, कुछ इस प्रकार की हाउसिंग आपको दी हुई है। बाकी नीचे की जो ग्रिल है वो आपको कुछ इस प्रकार की मिलती है गाड़ी की। बाकी ऊपर की जो ग्रिल है वो भी आपको मैट ब्लैक कलर के अंदर मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा इस गाड़ी के अंदर क्रोम आता है फ्रंट की साइड, वो आपको बेस वेरियंट के अंदर नहीं मिलेगा। बाकी सुजुकी का आपको बीच में इसका जो लोगो मिल जाता है बड़ा सा। तो ये तो इस गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल हो गई कि बेस मॉडल के अंदर भी आपको जो प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिल जाती हैं, ये काफी अच्छी बात है। बाकी साइड की बात करते हैं तो ऐसी कुछ जो गाड़ी की आपकी साइड प्रोफाइल मिलती है, जो टर्न इंडिकेटर है वो आपको फेंडर के ऊपर मिल जाता है। और टायर साइज की हम बात करते हैं तो ऐसे कुछ स्टील रिम्स मिलते हैं, इसमें व्हील कैप्स नहीं मिलते आपको कंपनी से, वो आपको अलग से ही लगवाने पड़ेंगे। बाकी 185/65 आर्स 15 इंचेस के जो आपको स्टील रिम्स मिलते हैं गाड़ी के अंदर। बाकी साइड ओआरवीएम की बात करूं तो वो आपको जो बॉडी कलर नहीं मिलते, आपको ब्लैक कलर के अंदर ही मिलते हैं। और जो साइड के डोर हैंडल है वो भी आपको जो है ब्लैक कलर के ही मिलते हैं। बाकी की बात करते हैं तो ऐसी आपको जो सेंटर लॉक वाली की मिल जाती है, दोनों की आपको जो सेंटर लॉक वाली मिलती है गाड़ी के अंदर, दो आपको की मिलती है जिसमें कि आपको लॉक एंड अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी अब चलते हैं गाड़ी के रियर की तरफ कि रियर में आपको जो क्या कुछ ऑफर करती है मारुति बलेनो बेस मॉडल। तो ऐसा कुछ आप भाई गाड़ी का जो बेस मॉडल है, ऐसे कुछ आपको यहाँ पे जो नॉर्मल इसकी टेल लाइट बैक टेल लाइट देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे इंडिकेटर हो गए, यहाँ पे आपको जो है रिवर्स बैक गियर लाइट हो गई। अच्छी बात यह है कि आपको बेस वेरिएंट के अंदर भी जो है डिफॉगर गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। बलेनो की आपको यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है, बीच में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। बाकी जो चार आपको पार्किंग सेंसर भी गाड़ी में बेस वेरियंट के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी दो आपको जो है रियर की तरफ रिफ्लेक्टर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। और ऊपर का आप ऊपर की तरफ आपका हाई स्टॉप लैंप हो गया, और ऊपर की तरफ आपको जो नॉर्मल जो है गाड़ी में एंटीना देखने के लिए मिल जाता है। बाकी गाड़ी की मेन बात करते हैं बूट की, तो ऐसा कुछ आपको जो गाड़ी में बूट देखने के लिए मिलता है, जो कि स्टोरेज की बात करें तो 318 लीटर का जो आपको बूट स्पेस गाड़ी में देखने के लिए मिलता है। बाकी कोई भी आपको लैम्प वगैरह इस बूट लैम्प वगैरह कोई भी नहीं मिलता, यहाँ पे आपको हुक जरूर मिल जाता है जिसपे आप अपना कोई भी सामान वगैरह टांग सकते हैं। बाकी पार्सल ट्रे भी आपको जो है इस वेरिएंट के अंदर नहीं मिलती। बाकी स्पेयर व्हील की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा कुछ आपको स्पेयर व्हील मिलता है स्टील रिम के साथ, और ये आपको ना जो स्टॉक टायर है उनकी प्रोफाइल का ही मिलता है, 15 इंच का ही। ऐसा नहीं है कि 1 इंच छोटा मिलता है जैसा कि कई गाड़ियों में होता है कि जो स्टेपनी है वो आपकी 1 इंच छोटी मिलती है। तो अब चलते हैं गाड़ी की इंटीरियर की तरफ कि इंटीरियर में आपको क्या कुछ ऑफर करती है बलेनो बेस मॉडल। और उससे पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जो है जल्द से जल्द मिल सके। तो ऐसा कुछ जो बलेनो बेस मॉडल का आपको इंटीरियर मिलता है ड्यूल टोन कलर का, ब्लू एंड ब्लैक कलर का जो इसमें कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी ड्राइवर डोर की अगर हम बात करते हैं तो चारों आपको जो इसके अंदर पावर विंडो मिल जाती है, यहाँ पे जो आपने डोर लॉक अनलॉक का जो ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपने जो शीशे होल्ड कर सकते हो आप।
बाकी एक लीटर का आपको बोटल वोटल स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरेज और देखने के लिए आपको मिल जाता है। बाकी ड्राइवर सीट की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको नॉर्मली मिलती है, हाइट एडजस्टेबल आपको नहीं मिलती है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और बात करते हैं बैठ के इंटीरियर की पूरी प्रॉपर। तो ऐसा कुछ आपको जो एनालॉग इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो देखने के लिए मिलता है। बाकी इसमें छोटी सी 3.5 इंच की जो है MID दी हुई है, जिसमें कि आप अपना फ्यूल वगैरह ट्रिप कितना टेम्परेचर है वो सारा कुछ जो है चेक कर सकते हो। 220 तक आपको जो स्पीड मार्किंग मिल जाती है, 8 तक आपको जो RPM मार्किंग गाड़ी में देखने के लिए मिल जाती है। ऐसा कुछ आपको डीकट स्टेयरिंग व्हील मिलता है गाड़ी में, यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। बाकी आपको ये इसको ना आप अप एंड डाउन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। बाकी डेक वगैरह आपको स्टीरियो कोई भी गाड़ी के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको जो स्टोरेज है बिल्कुल खाली मिलता है आपको, ये आपको जो बाहर से लगवाना पड़ेगा या कंपनी से, जो भी आप जैसा भी चाहो लगवा सकते हो। बाकी अच्छी बात यह है कि आपको बेस वेरिएंट के अंदर भी ऑटोमेटिक एसी का जो है ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो है ऑटोमेटिक गाड़ी में एसी देखने के लिए मिलता है। बाकी थोड़ी सी सिल्वर फिनिश आपको यहाँ डैशबोर्ड के ऊपर मिल जाती है। यहाँ पे आपको जो 12 वोल्ट का एक पावर सॉफ्ट मिल जाता है, दो आपको जो कप होल्डर्स मिल जाते हैं। बाकी ऐसी कुछ आपको मैनुअल जो गेयरबॉक्स मिलता है गाड़ी में 5 स्पीड के साथ है। अगर इसकी इंजन की बात करूं तो आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है नॉर्मली, जो कि 89 BHP और 113 Nm का जो है टॉर्क प्रोड्यूस करता है। बाकी ऐसी कुछ जो है, बाकी जो डोर्स हैं उनका आपको यहाँ पे ना बेस मॉडल के अंदर भी जो कपड़े की फिनिश है वो देखने के लिए मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी बात है। बाकी ऐसी कुछ आपको हैंड ब्रेक मिलती है यहाँ पे, यहाँ पे आपको जो आर्मरेस्ट है वो देखने के लिए नहीं मिलता। ये आपका रियर व्यू मिरर हो गया, जो कि आपको डे नाइट मैनुअली मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको कोई कुछ भी नहीं मिलता, ना टिकट होल्डर मिलता ना मिरर, और इधर की तरफ भी आपको कोई भी मिरर वगैरह कोई भी देखने के लिए नहीं मिलता। बाकी गाड़ी के अंदर आपको 2 एयरबैग मिल जाते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ ऑन का यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको लाइट का लेवलर मिल जाता है, ऐसे कुछ आपको एसी के वेंट्स मिलते हैं। बाकी आप चलते हैं गाड़ी की रियर सीट की तरफ, कि वहां पे जो है क्या कुछ ऑफर करती है मारुति की बलेनो। पहले ड्राइवर सीट में अपने अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट कर देता हूं। बाकी स्पेस की बात करते हैं पीछे चल के, कि क्या कुछ जो आपको स्पेस ऑफर करती है मारुति की बलेनो। तो अब आ चुका हूं मैं भाई गाड़ी के रियर में, और रियर में अगर हम बात करें तो काफी अच्छा जो आपको लेग रूम मिल जाता है गाड़ी के अंदर देखने के लिए, हेडरूम भी आपको जो प्रॉपर गाड़ी में देखने के लिए मिल जाता है। बाकी बीच में आपको जो एक केबिन लाइट मिल जाती है, जो कि येलो बीम के साथ मिलती है। पीछे से जो इंटीरियर है कुछ इस प्रकार का आपको नजर आता है बलेनो के बेस मॉडल का। बाकी रियर की तरफ आपको एसी वेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं मिलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरेज मिलता है जहाँ पे आप जो अपना सामान वगैरह रख सकते हो। एक 12 वोल्ट का जो एक पावर सॉकेट है वो आपको पीछे रियर की तरफ भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। बाकी बलेनो के बेस मॉडल के अंदर भी जो आपको हेडरेस्ट है वो पांचों भाई एडजस्टेबल मिल जाते हैं, आपको पांच मिलते हैं, चार नहीं पांच, जो कि भाई काफी अच्छी बात है। बेस मॉडल के अंदर भी आपको जो है चारों एडजस्टेबल अपने जो है हेडरेस्ट है वो प्रॉपर मिल रहे हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। बेस मॉडल के अंदर क्या कुछ गाड़ियां टॉप मॉडल के अंदर भी आपको जो प्रेफर नहीं करती ये सारी चीजें। तो ये थी भाई मारुति बलेनो बेस मॉडल सिग्मा के नाम से जो आता है। मैंने आपको इसकी सारी जो डिटेल है वो फुल डिटेल बता दी, कि 7 लाख रुपए में आपको जो मारुति की बलेनो क्या कुछ ऑफर करती है। कैसी लगी आपको ये गाड़ी वीडियो के एंड में जो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।